हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 एंड्रॉइड अपकमिंग फोन के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर रहे थे नंबर 1 फोन के बारे में जो कि हम लोग को देखने को मिल जाएगा वीवो की तरफ से, वीवो आई क्यू प्रो। इसके कुछ डिटेल में अभी आपको बताने वाला हूं। इधर आप लोगों को एंड्रॉइड वर्जन 5 मिल जाएगा विथ 8GB रैम के साथ और स्नैपड्रैगन 855 जो कि प्रोसेसर इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही फास्ट प्रोसेसर होने वाला है। तो दोस्तों चले अभी बात कर लेते इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले इधर आप लोग को 6.41 इसका फुल एचडी डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगा, सुपर एमोलेड स्क्रीन और ऑन स्क्रीन जो कि फिंगरप्रिंट आप लोगों को इधर देखने को मिल जाएगा। चले अभी बात कर लेते इसका कुछ कैमरे के बारे में। कैमरा इधर आप लोगों को ट्रिपल रेयर कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा इधर आप लोगों को 12 मेगापिक्सल के साथ जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टोरेज इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, 128GB का इंटरनल स्टोरेज। इधर आप लोगों को एचडी का सपोर्ट करने वाला है नहीं, 4500 के आसपास इधर आप लोगों को बैटरी देखने को मिल जाएगा विथ फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड। तो दोस्तों अभी बात कर रहे हैं ये फोन कितने दाम में मिलने वाला और कब तक ये फोन लॉन्च होने वाला है। एक्सपेक्टेड जो इधर आप लोगों को प्राइस अभी दिखाने वाला दोस्तों 32490 रुपये के आसपास होने वाला। और दोस्तों इधर एक्सपेक्टेड जो कि हम लोगों को लॉन्चिंग डेट हम लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को, 30 अक्टूबर 2019 के आसपास। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं नंबर 2 फोन के बारे में जो कि हम लोगों को Redmi की तरफ से देखने को मिल जाएगा, Redmi Note 8 Pro जो कि होने वाला है बहुत ही अच्छा। और इसके डिटेल अभी मैं आपको बता देना चाहिए। इधर आप लोग Android वर्जन 5 के साथ 6GB रैम के साथ MediaTek Helio G90T के प्रोसेसर के साथ धमाकेदार प्रोसेसर के साथ इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इसके कुछ डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 6.53 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले IPS LCD स्क्रीन के साथ और स्क्रीन प्रोटेक्शन इधर आप लोगों को Gorilla 5 दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इसका जो कैमरा के बारे में कुछ डिटेल में। तो दोस्तों इधर कैमरा आप लोगों को 4 रेयर कैमरा आप लोगों को इधर देखने को मिल जाएगा, जिसका मेगापिक्सल होगा 64+8+2+2 मेगापिक्सल। इन फ्रंट कैमरा इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा 20 मेगापिक्सल के साथ। तो दोस्तों अभी बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। इधर आप लोगों को 64 इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, 256 तक SD कार्ड आप लोग इधर सपोर्ट कर सकते हो। और इधर आप लोगों का जो 4500 के बैटरी के आसपास इधर देखने को मिल जाएगा विथ फास्ट चार्जिंग। दोस्तों यही था इस फोन का फीचर, कैसा लगा ये फीचर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और इसका जो प्राइस होने वाला है दोस्तों 14000 रुपये के आसपास। दोस्तों ये फोन बहुत ही अच्छा है इनकम दामों में। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं फोन कब तक लॉन्च होने वाला। तो लॉन्च होने का दोस्तों इधर डेट लिखा है दोस्तों 3 अक्टूबर 2019 के आसपास इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं नंबर 3 फोन के बारे में जो कि ओप्पो की तरफ से हम लोग को देखने को मिल जाएगा, ओप्पो रेनो 2 ऐप। इसके कुछ डिटेल में आपको बता दें। इधर आप लोगों को एंड्रॉइड वर्जन 5 के साथ साथ 8GB रैम के साथ MediaTek Helio P70 प्रोसेसर के साथ इस फोन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फोन है ये। और इसका कुछ डिस्प्ले के बारे में अभी बात कर, डिस्प्ले इधर आप लोगों को 6.53 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन दोस्तों इधर फुल्ली एमोलेड होगा और फिंगरप्रिंट आप लोगों को ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी बात कर ले इस कैमरे के बारे में। इधर 4 रेयर कैमरा इधर फिर से आपको देखने को मिल जाएगा, 48+2+8+2 मेगापिक्सल के साथ। फ्रंट कैमरा इधर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल के साथ इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी बात कर ले इधर स्टोरेज के बारे में। तो इधर आप लोगों को स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 256GB SD कार्ड एंड 4000mAh की बैटरी इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा विथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अभी इसका प्राइस कितना होने वाला है और कितने दाम में ये इंडिया में देखने को मिल जाए। तो इसका प्राइस जो होने वाला है 18990 रुपये के आसपास होने वाला है दोस्तों इसका प्राइस। और दोस्तों कब तक ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है ये भी दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत ही कम दाम में ये फ़ोन आप लोगों को मिल रहा है बहुत ही अच्छा खासा फीचर के साथ। तो दोस्तों इसका लॉन्चिंग जो होने वाला है दोस्तों इधर 25 अक्टूबर 2019 के आसपास ये फ़ोन आप लोगों को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगे ये फ़ोन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और दोस्तों कौन सा फोन सबसे आप लोगों को अच्छा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों मैं मिलता हूं इसी तरह का एक खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।